सम्मत 1678 और 1621 ईस्वी नू धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार होया और समुचा खालसा पंथ भावें विश्व भर के अंदर धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे 400 साल प्रकाश गुरपुरब की शताब्दी नू बड़े उत्साह नाल मना रहा है, पर विशेष तौर पर सिख पंथ की नुमायदा संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वड्डे प्रोग्राम उलीके हुए हुए हैं और बहुत वड्डे वड्डे समागम किए जा रहे हैं और नगर कीर्तन जलूसा दे भी वड्डे वड्डे प्रोग्राम चल रहे हैं और विशेष तौर पर 1 मई के समागम इस धरती से किए जाने हैं। मैं बहुता समा नहीं आप जी का लैना चाहता, संखेप ही बेनती करनी है कि तुहानू सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने जिथे मानवता दियां कदरां कीमतां नू बुलंदियां ते लिजांदिया होया दूसरे धर्मां दी रख्या वास्ते भाव हिंदू धर्म दी रख्या लई अपने सीस दी कुरबानी दित्ती, उत्थे सतगुरु जी ने एक ऐसे पूरने भी पाए है जेड़े अज दा समाज अज दे लोक कह लो अज दी लुकाई कह लो जिन्हां लई बहुत वड्डी शिद्दत दे नाल अज लोक उन्हां पूरनियां दे पांधी बनण वास्ते उड़ीक रहे हन। जदों श्री आनंदपुर साहिब जी दी नगरी नूं सतगुरु जी ने वसा के आप जी ने पूर्व दे इलाके नूं चरण पाउण वास्ते तैयारी की, बेअंत सिख संगतां आप जी दे नाल सन, तां धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जिथे जिथे भी गए विशेष तौर ते अपने कोलों धन माया खजाने विच्चों माया दे के बिरछ लवाउणे खूह लवाउणे बौलियां लवाउणियां ये मनुखता लई बहुत वड्डे नौवें पातशाह जी ने परउपकार कीते। जिहड़ा बांगर दा इलाका है हरियाणे की सरहद के नाल नाल कुछ इलाका हरियाणे विच कुछ पंजाब दे विच है, जिस इलाके विच गुरद्वारा श्री तमतान साहिब सुभायमान है ये इलाके दे विच समुचे रूप दे विच तंबाकू की खेती होया करदी सी और लोग तंबाकू हर घर दे विच ही लगभग लोग तंबाकू का सेवन करया करदे सन। सच्चे पातशाह जी ने थां पर थां विचर के इन्हां लोकां कोलों तंबाकू पीना छड़ाया और इन्हां नूं मनुखा जीवन का असली मकसद दे करके सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दे नशे छड़ा के इन्हां नूं जीवन जीउण दी जाच सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीती और धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने बहुत वड्डे वड्डे परउपकार इस लुकाई ते कीते आ। मैं इतिहास वाले पासे नहीं जाना चाहुंदा, साल भर ये समागम चलने हैं। मैं ये बेनती करनी चाहुंना कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वड्डी पद्धर ते एक ऐसी लहर सारे संत समाज नूं सारे जथेबंदियां नूं नाल लैके हिंदुस्तान विच ही चलावे कि वातावरण संभाल दी लहर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साल गुरपुरब शताब्दी नूं समर्पित पूरा साल हिंदुस्तान दे विच बल्कि बाहरले मुल्कां दे विच भी बूटे अते बिरछ लगाउण लई वड्डे उपराले कीते जाण और लोकां नूं इस कार्ज लई सुचेत भी कीता जाए। अज दो गल्लां दी वड्डी लोड़ असीं वेख रहे हां, इक तां वातावरण साडा बहुत दूषित हो चुका है, एक बिरछां दी और पानी दी वड्डी घाट इन्हां धरतियां विच वेखण नूं मिल रही है। बिरछ होणगे वातावरण बचेगा, जे वातावरण स्वच्छ रहेगा तां पानी भी खुला सानूं प्राप्त होएगा और पानी भी निर्मल सोमे स्वच्छ सोमे तां ही सानूं हासिल होणगे। इस करके पानी दी अज बहुत वड्डी लोड़ सारी दुनिया महसूस कर रही है, बल्कि दाने पुरश तो यह गल कह रहे हैं कि दुनिया की जदों कोई
अगली विश्व जंग लगी तो पानी की मंग पिछे ये जंग लगनी है, भाव पानी की एड्डी वड्डी घाट सारी दुनिया विच नज़र आ रही है। और ओ पूरने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पाए कि पानी दे सोमे भी स्वच्छ इस लुकाई नू आप तैयार करा करा के सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किते देना किते। सो ये जिहड़ियां समाजिक सेवावां हन ये भी जिथे आपां करनियां उत्थे साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है सिक्खी तो दूर जा रही है उस नू सिक्खी नाल जोड़न वास्ते भी, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने तिलक जंजू राखा प्रवताका किनो बड़ो कलू महसाका उन्होंने धर्म की रक्षा की है। पर अज सानू अपने धर्म नू बचाउण वास्ते बड़ा बड़ा खतरा महसूस हो रहा हर पक्ष तो, और कुछ ऐसे लोग है जेडे साडे धर्म के उत्ते आए दिन कोई ना कोई किसी रूप के हमले कर रहे हैं, लिखती रूप के भी प्रचार रूप के भी। सो अज के समय में नौजवानी नू सिखी नाल गुरसिखी धर्म नाल जोड़ के रखना और उन्होंने परिपक्क करन दे विच उन्होंने अंदर सिखी की भावना पैदा करनी, इहदे लई भी प्रचार रूप के वड्डे उपराले करने चाहिए है सानू। और मैं ये भी बेनती करांगा कि कई बारी असी अज्ञानता बस हिंदुआं दे उत्ते बड़ा तवा लाउने हैं, सारे हिंदू धर्म के लोग माड़े नहीं, सारे हिंदू धर्म के अन्याई माड़े नहीं। गुरद्वारा सीसगंज साहिब जाओ जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई है उत्थे हजारा हिंदू वीर आके अपने हथी लंगरां की सेवा जोड़ियां की सेवा और वो मनते ही धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं हन। और इत्थे बस नहीं, जिवें मेरे तो पहला भी संत बाबा बुद्ध सिंह जी ने साडा ध्यान दवाया कि नानक पंथी लोग हिंदुस्तान दे विच करोड़ां की गिणती विच हन और वह लोग गुरु नानक साहब दसम पिता जी तो बिना किसी होर नूं मनदे नहीं हन। पर कुछ ऐसा गल्लां पिछले समय विच वापरियां जे तो वह साडे वीर करोड़ां की गिणती विच साडे तो दूर चले गए और साडियां सिख संस्थावां ने उदासी संप्रदाय निर्मल संप्रदाय इन्हां जथेबंदियां ने उन्हां लोकां नूं सिक्खी नाल जोड़न विच बहुत वड्डा रोल अदा कीता सी, पर अज वो वीर साडे तो बड़े दूर चले गए है। अज फिर उन्होंने सिक्खी नाल जोड़न लई जिथे श्रोमणी कमेटी ने बड़ा शलाघाजोग एक उपराला किया कि उन्होंने वीरां लई विद्या पढ़ाउण लई मुफ्त इंतजाम करन वास्ते ऐलान किया मानयोग प्रधान साहब ने। मैं समझदा बहुत वड्डा चंगा उपराला किया गया, पर इस तो भी वड्डे उपराले करन दी लोड़ है और हिंदू धर्म के लोगों भी यह गल जगाउण दी लोड़ है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जे हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते अपने सीस की कुरबानी ना करते तो हिंदुस्तान मुल्क का नाम अज इस्लामिक मुल्क के तौर पर जाने जाना सी दुनिया के विच। इस करके उन्हां दे अंदर भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का सतगुरु जी के पर उपकारा का सत्कार और भावना पैदा करन वास्ते ऐसा लिटरेचर पूरे हिंदुस्तान दे विच सानू छुपवा के भेजण की लोड़ है जां उन्हां नूं दसण की लोड़ है तां कि उन्हां दी नवी पीढ़ी जिहड़ी है वह सतगुरु जी के गुरु घर के पर उपकारा तो जाणू हो के गुरु घर नाल जुड़न वास्ते उन्हां दे अंदर श्रद्धा और भावना ते प्रेम पैदा होए। और मैं ये भी बेनती करनी चाहुंदा कि अज दी एकत्रता वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा मता भी पास करे, यतनशील भी होवे कि हिंदुस्तान विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे अवतार गुरपुरब की हर साल सारे हिंदुस्तान विच छुट्टी होनी चाहीदी है। जे सेंटर दे उत्ते असी दबाव बनावांगे और सारा संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सिख संप्रदावां कार सेवा वाले महापुरख सारे असी रल के श्रोमणी कमेटी नाल मिल के ऐसा कोई प्रोग्राम लिखांगे तो जरूर एक दिन की छुट्टी सरकार नू हिंदुस्तान दे विच करनी पवेगी सरकारी तौर ते, जिहदे नाल दुनिया के कोने कोने विच एक संदेश जाएगा कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी सतगुरु जी जिन्होंने एडा वड्डा महान पर उपकार किया उन्होंने याद में एक दिहाड़ा हिंदुस्तान की सरकार ने समर्पित किया।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਟੇਵੜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੇ 1975 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ